विजातक में यही है कि बुद्ध काल में एक जो ढोंगी आदम्बर हो के जो भिक्षु जी रहा था उसी के संदर्भ में ये जातक कथा सुनाते हैं। कुहक जातक, जातक में एक तपस्वी जो मन में लोभ द्वेष मोह अनेक तरह से क्लेश है, फिर भी लोगों को बहुत ही निर्लोभी बहुत ही शीलवान गुणवान दिखाते हैं। ये देख के गृहस्थ प्रसन्न होके वन प्रदेश में जंगल में एक कुटी बना के पूरा सेवा करके बैठते हैं और हर तरह का भोजन भी अपने घर में व्यवस्था करके रखते हैं और इसी तरह सेवा करके बैठे। एक दिन चोर के डर से अपने घर का 100 सोने की सिक्का ऋषि के कुटी के पास गाड़ के रखते हैं और ऋषि को भी देखने के लिए बोलते हैं। तो वो कहते हैं, दूसरों के धन संपत्ति में हमारे मन में कोई भी लोभ लालच नहीं, हम जैसे लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बहुत खुश होके जाते हैं। तो तपस्वी के मन में इतना लोभ जागता है कि वो सोने की अशर्फी लेके दूसरे जगह डाल के फिर घर में जाके बिडावारी लेके जाते हैं। गाँव के बाहर जाने के बाद भी फिर एक बार ठगताऊ करके एक दिन का अपने बाल पे रख के जता पे रख के वापस आके हम दूसरों का एक तीन का भी नहीं रखते करके वापस देने आते। गृहस्थ बहुत खुश, वो ऋषि भी बहुत खुश, सोने की असर पे मिल गया करके वापस जा रहे थे। और इधर गृहस्थ के घर में उसी दिन बोधिसत्व व्यापारी दूर गांव पे व्यापार के सिलसिले में वहाँ पहुँचा था, वहाँ रुका था। तो ऋषि की इस तरह के एक तीन का भी इतने दूर आके वापस देने आए तो उनको शक हुआ। तो कहीं तपस्वी के आंखों के सामने कुछ धान या सोना तो नहीं रखा। बार बार पूछने पे वो बोलते हैं, सोने के सिक्का रखा था, तो जाओ जाके देखो वहाँ है कि नहीं। जाके देखा, वहाँ नहीं है। फिर दोनों मिलके वो तपस्वी नहीं लेके गया करके भागा बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है। फिर वो तपस्वी वो सोने के असर पे वापस देता है। तो ये लोभ का दुष्परिणाम, लोभ का फल, जब भी हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, उसका दुष्परिणाम आना ही है। इतने सम्मान के साथ, गौरव के साथ, अच्छे से कुटी में रह के गृहस्थ के घर में अच्छे से भोजन करके रहने वाले वो तपस्वी भी उन्हीं के हाथों से मार भी खाना पड़ा, बेइज्जती होना पड़ा, निंदा सहना पड़ा, ये लोभ लालच की वजह से। इसलिए जीवन में जब भी हमारे मन में लोभ लालच होगा तब तब हमें पाप होगा, अकुशल होगा और उसकी वजह से दुख ही दुख होगा। ये लोभ लालच के बदले में जब भी हम दूसरों को दान देने के लिए, त्याग करने के लिए प्रयास करते हैं तब तब मन में शांति होगा, प्रसन्नता होगा, कुशल होगा, पुण्य होगा और यही सुख का कारण है। अभी दुख का कारण लोभ लालच जगा के बैठना है या सुख का कारण दान त्याग अभिवृद्धि करना है, ये हमारे ऊपर ही है। अच्छा होगा कि जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, अच्छे से जीविका करने के लिए लोभ लालच को दमन करे, उसको शांत करे और ये जो दान है, जो त्याग है, इसको अभिवृद्धि करे। हमारे जीवन यकीनन सुखमय होगा, शांतमय होगा, आनंदमय होगा। इसलिए यही कामना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में अनेक तरह का लोभ लालच को दमन कर सके, समन कर सके, नाश कर सके और उसके विपरीत दान त्याग अभिवृद्धि कर सके, बढ़ाते जा सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। ऐसी कामना करते हुए ये जातक कथा का धम्म देशना यही समापन करता हूं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे। त
धम्मदेशना के अंत में जो भी हमने धम्मदेशना सुन के बुद्ध वाणी सुन के जो पुण्य संचय किया धम्म किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संग और अनंत बोधिसत्वों के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जो भी हमारे ज्ञाति बंधु है जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको भी ये पुण्य सुगति प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए हेतु हो, कारण हो। और हम भी जीवन में ढेर सारे पुण्य धम्म करते 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 ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। अच्छे से 3 बार साधु साधु बोलिए। सपीतियो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते। ईचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेच्छतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सब्बसो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।